अब मुझे ना समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। जब से स्मार्ट वॉच इस बाय की है ना, तब से मुझे पासवर्ड की सेटिंग नहीं मिल रही थी। अब पासवर्ड की सेटिंग मिली है तो अब पासवर्ड ही नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको टॉप 3 आपकी जो मिस्टेक्स है ना, उनके हवाले से मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि भाई इन मिस्टेक्स को आप अपनी वॉच के अंदर अगर कर रहे हैं ना, और ये 99% लोग कर भी रहे होंगे, तो अगर आप भी इन मिस्टेक्स को अपनी वॉच के अंदर कर रहे हो तो भाई आपकी स्मार्ट वॉच भी आपका साथ छोड़ने वाली है, जैसे आपका साथ आपकी गई। जितनी भी सेटिंग्स एंड ऐप्स आपको बताई जाएंगी ना इस वीडियो के अंदर, यू शुड ट्राई टू अवॉइड देम। जितना हो सके आपको इन ऐप्स एंड सेटिंग्स से दूर रहना है, तभी आपकी स्मार्ट वॉच जो है वो सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म तक। सो इस वीडियो के अंदर हम 3 मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइक टारगेट भी इस वीडियो का 3 मिलियन लाइक्स का होना चाहिए। 3 मिलियन तो क्या, अब तो 5-6 मिलियन शॉर्ट्स पे ही आ जाते हैं। कौन है यार तो? Just kidding guys, इस वीडियो का लाइक टारगेट ओनली 200 लाइक्स का रख रहे हैं, ये जल्दी से आप लोग कम्प्लीट कर देना है। चलिए हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं पासवर्ड की सेटिंग्स के बारे में। अब देखो यार, ये जो सेटिंग है ना, ये आपके इन स्मार्ट वॉच के लिए पहले तो भाई नीड ही नहीं है इनको, क्योंकि इनके अंदर कौन सा गैलरी है या फिर कौन सी भाई आपको यहाँ पे बीपीसीपी। तो लोग क्या करते हैं भाई, उनको ये सेटिंग नजर आती नहीं है कि भाई वो फौरन से सेटिंग्स के अंदर जाके पासवर्ड पुट कर देते हैं। मेमोरी इतनी तेज होती है कि भाई कल का लगाया पासवर्ड भूल जाते हैं। और ये और किसकी नहीं, मैं अपनी बात कर। अब इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। यहाँ पे तुम लोग को पासवर्ड शो कर रहा होगा कि भाई पासवर्ड लगाओ, तो फिर जब तुम लोग को अपने स्मार्टफोन को ले आना है, देन तुम लोग को अपने स्मार्टफोन को एंड स्मार्ट वॉच को जो है ना वो पेयर कर लेना है ब्लूटूथ से भी। एंड आपने अपने वॉच का जो ऐप है, हाईवॉच प्रो हो सकता है, हाईवॉच प्लस हो सकता है, या फिर वेयरफिट प्रो हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आपके स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट करता है, उस ऐप से भी आप लोगों ने अपनी वॉच को सिंक कर लेना है। सिंपली तुम लोगों ने चले जाना है उसी वाले ऐप के अंदर, वहां पे तुम लोगों ने डिवाइसेस के अंदर चले जाना है। और कुल्फी आ गई, मैं लेके आया। छोटी बच्ची हो क्या? डिवाइसेस या फिर तुम लोग का सेट हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन तुम लोग को नजर आ रहा होगा, तुम लोगों ने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे तुम लोग को सेटिंग देखने को मिल रही होगी रीसेट डिवाइस, तुम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड मेक श्योर तुम्हारी स्मार्ट वॉच जो है ना इस टाइम कनेक्टेड होनी चाहिए इस ऐप से एंड ब्लूटूथ से। दैट्स इट, तुम्हारी स्मार्ट वॉच का जो पासवर्ड है यहाँ से रिमूव हो गया होगा। आप सिंपली तुम लोग अपनी वॉच के अंदर दोबारा से पासवर्ड लगा सकते हो और दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो भाई वो तुम लोग के क्राउन बटन को लेकर आ रहा है। अब स्मार्ट वॉच के क्राउन बटन का एक्सेसिव यूज करने की वजह से भाई इसके क्राउन बटन का क्या होता है, या तो ये फ्री हो जाता है या तो ये बिल्कुल ही काम करना ही छोड़ जाता है। अब इस सीन में भाई हम क्या कर सकते हैं पता नहीं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज तुम लोग को अवॉइड करनी है वो भाई इस क्राउन बटन का यूज है। लोग क्या करते हैं भाई, अगर वॉच फेस करना है वो भी हम क्राउन बटन से करेंगे, अगर तो इसका मेन स्टाइल मेन्यू चेंज करना है वो भी हम क्राउन बटन से करेंगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर? अगर तो तुम लोग को मेन्यू स्टाइल चेंज करना है तो भाई इंस्टेंट के तुम उसको डबल क्लिक करके मेन्यू स्टाइल चेंज करो। तुम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नोटिफिकेशन पैनल में आ जाओ, यहाँ पे तुम लोग को स्टाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3। ऑन अ सिंगल क्लिक तुम लोग यहाँ से मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हो। नॉट ओनली डेट, इसके अलावा तुम अगर होम स्क्रीन पे जाते हो, यहाँ पे भी तुम्हें एक हाउस का ना ऑप्शन देखने को मिल रहा है, भाई घर बना हुआ है। और यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद तुम लोग को काफी मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। जो तुम यहाँ से डबल क्लिक करके इसको एक्सेस करते हो ना, वो यहाँ से तुम लोग मैन्युअली इसको चेंज कर सकते हो। अगर तो आपका क्राउन यहाँ से डैमेज हो गया हुआ है, देन फिर भी आप इस ट्रिक्स का यूज कर सकते हो, यहाँ से मैन्युअली चेंज कर सकते हो। स्मार्ट वॉच के अंदर ये चीजें 2 से 3 जगह से एक्सेस करने का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि भाई अगर एक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरी यूज कर लो, और अगर आप चाहते ही नहीं है कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो भाई सभी चीजों को मैनेज करके रखो। एक बार इसको यूज कर लिया, एक बार टच को यूज कर लिया, इस तरह मैनेज करके रखो क्राउन की पैन को नहीं। अब थर्ड मिस्टेक से तुम लोग अपनी वॉच की जो बैटरी है ना इसको डैमेज कर रहे हो, और उसकी वजह से तुम लोग मुझसे शिकायत कर रहे हो तो भाई हमारी स्मार्ट वॉच की बैटरी जो है ना वो अच्छा बैकअप प्रोवाइड नहीं कर रही। देखो यार, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो भाई उसको मस्ट वॉच करो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूं जिनको टर्न ऑफ करने के बाद तुम्हारी स्मार्ट वॉच की बैटरी के अंदर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। सिंपली यहाँ पे तुम लोगों ने सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे तुम लोग को 2 सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट नंबर पे आती है ऑलवेज ऑन स्क्रीन की सेटिंग। अब इस सेटिंग का से मोस्टली लोगों को पता होगा कि भाई इसको टर्न ऑन करने के बाद तुम लोगों को 5 सेकंड्स के लिए जो है वो ऑलवेज ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है, और लिटरली इसका कोई फायदा नहीं है। अगर तो उसकी टाइमिंग हम इंक्रीज कर पाते होते तो देन फिर भी समझ जाती, लेकिन जस्ट 5 सेकंड्स के लिए ऑलवेज ऑन स्क्रीन काम कर रहा है तो भाई इसका लिटरली कोई फायदा नहीं है, तो इसको मोस्टली टर्न ऑफ करके रखो। एंड द सेकंड सेटिंग इज स्प्लिट स्क्रीन। अब इस सेटिंग को टर्न ऑन करने के बाद तुम लोग अपनी वॉच की होम स्क्रीन से यहाँ पे राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे तुम लोग को कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं, और काफी वॉचेस के अंदर ये जस्ट पिक्चर होती है वो शॉर्टकट्स
भी नहीं होते। सो अगर तो आपको यहाँ पे एक्चुअल जो है ना वो शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं तो भाई आप इसको टर्न ऑन रख सकते हो। अदरवाइज मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये सब तुम लोग मैनुअली भी कर सकते हो अपनी वॉच के अंदर आकर। अगर आपके ये जो शॉर्टकट्स है वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते तो भाई आपको इसको टर्न ऑफ ही रखना। सो ऑलराइट गाइस, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो तुम लोग अपनी वॉच के साथ कर रहे हो, तुम लोग ज्यादती कर रहे हो वॉच के साथ। सो अगर तो इनमें से कोई भी चीज तुम लोगों ने किया तो भाई इसका सोल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी मिस्टेक जो तुम कर बैठे हो अपनी वॉच के साथ, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह मैं मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 200 इसके टारगेट रखा हुआ है, वो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, HR Vlogs के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, आप लोग वहां पे भी मुझे चेकआउट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइफ इज अ बाय एंड पीस आउट।